वैश्विक महामारी कोरोना के बीच गाजीपुर में रविवार को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कोरोना वायरस के चलते इस बार लोग एक स्थान पर जमा नहीं हो सके, इसलिए लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और घर पर ही योग दिवस मनाया। इसी क्रम में एबीवीपी के पूर्व जिला संयोजक गर्वजीत सिंह कक्कू के आवास पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना के इस संकट में दुनिया आयुर्वेद और योग की तरफ अपने जीवन रक्षा के लिए आशापूर्ण निगाहों से देख रही है। भारत के ऋषि मुनियों ने जिस तप की शुरुआत हजारों वर्षों पहले की थी, उसे आज पूरा विश्व आत्मसात कर रहा है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ व निरोग काया के लिए योग को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। करे योग रहे निरोग। आज पूरा विश्व योग के महत्व को समझ रहा है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इसके महत्व को हजारों वर्ष पूर्व ही समझ लिया था और हमारे पूर्वजों ने इसे संभाल के रखा। आज पूरा विश्व जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर योग दिवस मना रहा है, जो हमारे सांस्कृतिक सभ्यता की एक झलक है। आज विश्व में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमें योग अपनाना होगा और तभी जो है हम कोरोना को जो है पराजित कर पाएंगे। आज विश्व योग दिवस है। मैं आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ आपसे आह्वान व विनम्र निवेदन करता हूं कि आप भी जो है योग अपनाएं और केवल आज ही ना, प्रतिदिन जो है अपने दिनचर्या में इसे सम्मिलित करें। योग अपनाने से आप स्वस्थ रहेंगे, साथ ही आप जो है अपने को खुश महसूस करेंगे। प्रतिदिन जो है सुबह उठकर आधे घंटे कम से कम योग करें और आप उसका जो है लाभ आपको स्वतः जो है आपको मिलेगा। विश्व के जो है अनेक देशों के लोग योग अपना रहे हैं और योग करने से जो है अपने को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 30 मिनट स्वस्थ करने वाले को जो है 1 घंटे एक्सरसाइज के बराबर लाभ मिलता है। इसलिए मैं आपसे पुनः आह्वान करता हूँ कि आप योग अपनाएं और जो है स्वस्थ रहें। भाजपा IT विभाग के जिला संयोजक कार्तिक गुप्ता ने कहा कि योग का उद्भव भारत से ही माना जाता है। भारत में योग का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना बताया गया है। भारत में स्वामी विवेकानंद ने योग की शुरुआत बहुत पहले कर दी थी। उसको विश्व पटल पर स्थापित करने का कार्य दुनिया के शक्तिशाली नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जहां स्वामी जी ने अपने शिकागो सम्मेलन के भाषण में योग का संदेश संपूर्ण विश्व को दिया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाकर भारत का गौरव बढ़ाया है। योग दिवस के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस वैश्विक महामारी के विरुद्ध अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए देश और प्रदेश की जनता से यह आह्वान किया है कि अपने घर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग करें और योग को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल भी करें। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत की जो विरासत में मिले इस योग को पूरी दुनिया में एक नई पहचान के रूप में भारत को स्थापित किया है, तो कहीं ना कहीं ये आज पूरी दुनिया इसको अपना रही है और लोग स्वतः इसका लाभ भी पा रहे हैं। जो कि प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं कि करे योग रहे निरोग और योगा से ही होगा, तो आज छोटी बड़ी अनेक बीमारियां हैं जो योगा से उससे निजात मिल रही है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि योग को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें, सुबह उठकर कम से कम आधे घंटे योग जरूर करें और केवल आज नहीं इसको अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कर हमेशा करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले जब 1 महीने बाद आप इसका परिणाम देखेंगे तो छोटी बड़ी कई बीमारियां आपके शरीर से कोसों दूर रहेंगी। धन्यवाद। इस अवसर पर नगर उपाध्यक्ष नीरज कुमार, महामंत्री अजय कुशवाहा, हर्षजीत सिंह और पवन सिंह ने भी योग किया। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।